यूजी वाले अगर कोई सुन रहे हैं तो छेद रोग पड़ेंगे, छेद ओ सॉरी लेख के रोग पड़ेंगे। लेख के कितने कितने थे, कौन से वर्तमगत। ठीक, क्या कहता है, नवा ये अभी इताम लेख्या, नौ लोग क्या है, नौ रोग क्या है, लेखन साध्य। ठीक, फिर उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो एक शब्द मिलेगा यार आपको, मंडलाग्र करके, देखना कहीं मिस हो रहा, मेरे को दिख नहीं रहा। शस्त्र पदांकितम लिखेत शस्त्रेण पत्रेर वा, ऐसे मिला, ये वाला मिला। अब ये क्या कर रहा है, वर्तमगत रोगों में करेंगे लेखन, ये कह रहा है वर्तम को उल्टा कर दो, मतलब मान लो इंटरनल मार्जिन पे है पक्षम को वगैरह जो भी व्याधियां होनी उसको टिल्ट करो तो फ्रंट में आ जाएगा, फ्रंट में आने के बाद में उसका लेखन करना है। अब यहाँ लेखन के लिए बहुत सारी चीजें दी हुई है और पकड़ना कैसे, उसकी खूब सारी हिंदी दी है, सामान्य सी चीज है, इसकी एक रीडिंग लगा लेना पीजी वाले, तो सिंगल रीडिंग। यूजी वाले इसको पढ़ना थोड़ा ठीक से, क्योंकि लिखना पड़ेगा ही, लेखन की पूरी इसमें सिस्टम लिख रखा है किस तरह से लेखन करवाते हैं क्या कर। अब काम की बात इतनी सी है कि लेखन साध्य रोगों में सामान्य चिकित्सा जो हेडिंग है उसका मीनिंग ये है कि ओवरऑल जो लेखन करते हैं वो वर्तमगत का करते हैं, वर्तम को पकड़ते हैं अंगूठे और अंगुली से, फिर उल्टा कर देते हैं और फिर शस्त्र से या शाक पत्र से या जिससे भी करना होता है उसका लेखन करते। ठीक, फिर कुछ द्रव्य दिए हुए हैं जैसे काशी, सौंठ, मरीच, पिपली, आद्रांजन या रसांजन, सैंधव, लवण, ऐसे द्रव्य दिए मिला। ये इन द्रव्यों का क्या करना है, प्रतिसारण। अब सुनना, शस्त्र से हटाया और जो थोड़ा बहुत रह गया ना उसको हटाने के लिए ये द्रव्य काम है। आगे बात समझ। नेक्स्ट, इस पूरे लेखन के 3 दिन बाद में स्वेदन और उत्पीड़न करना है ना, पूरी लेखन की प्रक्रिया के 3 दिन बाद में स्वेदन और उत्पीड़न करना। अब ईएनटी वाले जो चिकित्सा वाले चैप्टर ना वैसे ही है, इनको ज्यादा डिटेल है नहीं एक्चुअली। आगे देखो, सम्यक लेखन हो गया कैसे पता चलेगा, क्या लिखता है, कंडू शोभ विवर्जित मिला, और प्रमाण कितना, समम नख निभम। सम लेखन का मतलब है वो नख निभम। अब क्वेश्चन आ जाए, जैसे सम्यक सार का क्या लक्षण है, व्रण कैसा दिखता है, सम्यक सार कर्म में व्रण कैसा दिखेगा, ऑनलाइन वालों बताओ, सम्यक सार, अगर सम्यक सार कर्म करेंगे तो व्रण कैसा दिखेगा, भूल गए, एपीरियंस जो उसका होता है ना, उसकी कोई उपमा होती है ना, बता भाई कैसा, कृष्ण वर्ण या पक्व जंबु संकाशन, ऐसा था। ठीक वैसे ही सम्यक लेखन होने का मतलब है नीचे अपीयरेंस कैसा दिखेगा उसका, वर्तम का नख के समान, ठीक है, कलर आईलिड का जो कलर है कैसा हो जाएगा, नाखून जैसे, और कंडू शो विवर्जित है सम। ठीक, नेक्स्ट, दुर्लिखित। दुर्लिखित के लिए बोल रहा है कि या तो क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, मतलब डीप चल जाएगा, लेखन नहीं होके वास्तव में वो छेदन हो जाएगा अगर डीप कट हो गया, है ना, उसकी वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, रक्तम स्त्रवेत, रक्त स्राव होगा। ठीक, फिर उसके बाद में चिकित्सा इनकी क्या बोल रहा है, स्नेहन और उसके बाद वापस लेख। अब दो बातें थोड़ा ध्यान देना, ये जो स्नेहन है ना ये तो कब कराएंगे, जब अतियोग हो जाएगा बेसिकली, और वापस लेकर नए योग में करवाएंगे, ऐसे समझना। नेक्स्ट भाई, इसने जो दुर्लिखित शब्द का प्रयोग किया है ना वो सिर्फ अयोग जैसा है नहीं, बाकी मीनिंग उसका अयोग ही है,
लेकिन वहां पर जब अगर ऐसा हो गया है, अधिक कट लगे तो वापस लेखन का तो कोई साइंस नहीं है ना, कर रहा है इसका मतलब अयोग तो बताता है, अगर दुर्लिखित अयोग है तब तो वहां पर वापस लेखन जायज है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या लिखता है कि ज्यादा कट लग जाए तो स्नेह लेखन दोनों। अब अति लिखित में, अति लिखित में वापिस वही होगा क्या, रुजा श्राव ब्लीडिंग सह रुकम श्राव बहुलम तद तद अति श्राव, चिकित्सा क्या करोगे, स्नेह स्वेदन और वात नाशक चिकित्सा, सामान्य बातें हैं। ये मैंने बता दिया था कि इन चारों में लेखन से पहले क्या करोगे, प्रच्छा, और तीन रोग थे उनमें लेखन से पहले क्या करोगे, छेदन, और दो थे उनमें समलेखन। तो ये समलेखन वाले ये रहे शाव और गर्दम, और प्रच्छान देन लेखन वाले ये रहे चार, और नीचे ये तीन रहे, ये कौन से, छेदन देन लेखन। नेक्स्ट आगे देख, कहता है कि वर्तम के अंदर अगर कोई पिड़का हो जाए तो पाक होने के बाद पहले उसका भेदन करना चाहिए, फिर लेखन करना चाहिए। अब सुनो मेरी बात, छेदन देन लेखन, इसमें तीन रोग थे, ओनली लेखन इसमें दो थे, और प्रच्छान देन लेखन इसमें चार थे, ये बात खत्म हो गई। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिनमें करना तो लेखन है, और वो कंडीशन नेत्र रोगों में वर्तम पर कोई भी बीमारी हो चांस है कि लेखन से ठीक हो। अब एक कंडीशन ऐसी है जिसमें लेखन से पहले क्या करना पड़ेगा, भेदन, और ये तुम्हें पता है कैसे, अगर कोई एब्सेस है, पिड़का है, तो पहले चीरा देके उसमें से पस निकालेंगे और फिर उसके बाद में वहां पर क्या करेंगे, लेखन। तो अगर कोई कठिन पिड़का है वर्तम पे और उसका पाक हो जाए, पहले भेदन करना चाहिए, उसके बाद में क्या करना चाहिए, लेखन। नेक्स्ट अगला चैप्टर, वैद्य रोग कितने थे, नाम बोलो, वैद्य पांच थे ना, के ए बी यू एल, बोलो, कृमि ग्रंथि, पक्का ना, ए से बोलो अंजना नमी, बी से विष वर्तम या फिर विष ग्रंथि, एक ही बात थी, और यू से उपना और ल से लब, ठीक है। अब विष ग्रंथि की चिकित्सा बता रहा है, अब याद करो विष वर्तम में क्या था, वर्तम पे छोटे छोटे छेद हो रहे थे, सूक्ष्म घना ऐसी लाइन आ रही थी, ठीक, स्वेदन करवाएंगे मिला, और उन छिद्रों को निराश्रय करेंगे, मतलब पस है तो निकालेंगे, और उनके अंदर पाक होने पर भेदन करेंगे और सेंधो नमक डाल देंगे, मिला। तो सामान्य बात है कि अगर ऐसा हो जाए तो सेंधव काशीज आदि से उन छिद्रों को भर देंगे, और क्या कर देंगे, अब इसमें पहले स्वेदन इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि वो जो छिद्र है ना उसके अंदर मान लो अगर पस के प्लग बने हुए हैं तो मेल्ट हो जाए, स्वेदन, फिर उनको छिद्रों को निराश है मतलब उनमें से पस बाहर निकालेंगे, और अगर पाक हो गया तो भेदन करेंगे और फिर सेंधव चूर्ण कर देंगे काशी आदि। नेक्स्ट लगन, बोल प्रमाण, और लाइन कैसे स्टार्ट होती थी, अपाकम कठिन स्थूल और दोष कफ, क्या लिखता है ध्यान से सुनना, सबसे पहले लिखता है कि गोरोचन और क्षार और तुत का प्रयोग करें, तुत मतलब कौन, चषक है ना, फिर उसके बाद में पिपली शोद्र इन सब को मिला के प्रतिसारण कर दें, मिला। फिर उसके बाद आगे लिखता है महती चपी जीतम सार अग्नि, और अगर बड़ा लगन है बोल प्रमाण से तो फिर उसमें सीधा क्या करते हैं, क्षार कर्म और अग्निकर्म। तो बेसिकली है ना, ये जो ऊपर वाला लाइन है इसके अंदर जो प्रतिसारण द्रव्य है ना ये धारण का काम करेंगे लगन को, भाई किसी को औषधियों से आप चीरा लगा रहे हो तो धारण, और वैसे क्या कर रहे हो, क्षार कर्म अग्निकर्म से उसको खोल रहे हो,
या उसको नष्ट कर रहे हो, तो मैथ के चक्कर में ज्यादा जाओ। नेक्स्ट अंजना नमी, याद करो अंजना नमी की लाइन क्या थी स्टार्टिंग, किससे दहा तोदवती है ना, और दूसरी मृद्वी मंद्रुजा, ठीक है। अब ये कौन सा रोग था, दोष अंजना नमिका में, दोष खुशबू कहा दिमाग, अंजना नमिका में दोष, अरे बोलो ऑनलाइन वालों, रक्त टोटल कितने थे 16, साध्य कितने थे 11, याप्य कितने थे 1, असाध्य कितने थे 4, ठीक है। ये साध्य रक्त रोगी तो हुआ, ठीक। अब सुनो क्या कहता है, रसांजन मधुभ्याम तम विद्वाम व शस्त्र कर्मिते, इंपोर्टेंट करना इस लाइन को। और दूसरा दीप शिखा अंजन, एक तो रसांजन और मधु मिला के और इसका भेदन करना, और अगर उस उससे भेदन करके और मतलब शस्त्र से रसान शस्त्र से अंजन नमिका का भेदन करके उसमें रसांजन और मधु का लेप लगाना, ठीक। और दूसरा क्या लिखता है, दीप शिखांजन, इंपॉर्टेंट है ध्यान देना इस, जरूर से आएगा ही। नेक्स्ट कृमि ग्रंथि क्या लिखता है, त्रिफला तुत काशी सेंधव रस क्रिया, इनकी बनी हुई रस क्रिया का प्रयोग। नेक्स्ट श्लेष्म उपना क्या लिखता है, लेखियत मंडलाग्रेण समन्ताद प्रच्छेद, मिला मंडलाग्र से लेखन करना है और छेदन करना, रोग कौन सा ये भेदन साध्य, चिकित्सा में क्या लिख रहा है लेखियत मंडलाग्र। हेलो हेलो, हाँ जी बोल रहा हूँ जी, हाँ मैं कर दूंगा, अभी क्लास चल रही है, मैं आपको खत्म करके घंटे भर में, अभी क्लास चल रही है मैं खत्म करके आपको घंटे भर में करता हूँ। नेक्स्ट देखो, लेखियत मंडलाग्रेण समन्ताद प्रच्छेद अपि, अब ये जो लाइन है ये किसकी है, श्लेष्म उपना की चिकित्सा की, और श्लेष्म उपना कैसा रोग है भेदन से, हालांकि भित्तो उपना लिखा हुआ है पहले, लेकिन वो तो तुम वैसे ही कर दोगे कि भेदन साध्य होता है, आगे वाला लाइन है ना वो काम की। नेक्स्ट अगला चैप्टर कौन सा, कितने कौन कौन, 5 अर्म 2 सिरा 2 अर्श और 1 अर्बुद, कितने हो गए 5, 2, 7, 2, 10 और 11, 1 प्रबण। अब देखो क्या कहता है, सुनना इसे, अर्म के लिए बोल रहा है और थोड़ा ध्यान देना, सर्जरी है अर्म की, नोट से मैंने प्रॉपर लिख रखी है, फोटो भी डाल रखी, समझ में आएगी। स्टार्टिंग में लिखता है दूसरी लाइन में, अपांग प्रक्षमानस बड़ी सेन समाहित, मिला। अब मैं एक बार आपको उससे समझा देता हूँ, अगर उसमें फोटो कौन से अर्म वाले की दे रखी है ना या लिंगनाश की दे रखी है, अर्म चिकित्सा में देखना, अर्म वाले में है कोई फोटो है ना, अर्म वाले में देखो फोटो से ठीक से समझ आ जाएगी, सुनना। पेज नंबर बोलना, वन थर्टी फोर
अच्छा इसमें वैसे होंगे ना, देखो इधर आओ, ये तो पक्षम कोप वाली है, ये शुक्लगत, ये अर्ब। अब सुनो, अर्ब वर्ग को पढ़ लिए थे, अब अर्ब में जो क्रिया है छेदन की उसको समझा रहा हूं, ध्यान देना इसमें। पहले तो अर्ब में कौन से शस्त्र क्रिया करते हैं? छेदन। पूर्व कर्म क्या है? स्निग्ध भोजन, लावण्य चूर्ण, स्वेदन और चालन, ये पूर्व कर्म। प्रधान कर्म सुनना, बड़ी सी यंत्र से अर्ब को पकड़ना, ये कुछ है कि अर्म की शल्य क्रिया में बड़ी से क्या करते हैं? अर्म को पकड़ते, ठीक है। फिर रोगी को किधर देखना है? अपांग की ओर। अब आप इमेजिन करो कि मैं रोगी और इनर कैंथस की तरफ अर्म है, बिटवीन इनर कैंथस एंड कोर्निया। अब मैं अगर बाहर की तरफ देखूंगा तो डॉक्टर के सामने घूम के आई बॉल आएगी, नहीं तो इधर पड़ा रहेगा। तो जैसे ही अपांग की तरफ रोगी ने देखा, आई बॉल का जो ये अंदर की तरफ वाला मिडिल वाला पार्ट है, ये फ्रंट में आ गया, एंटीरियर, ठीक, सामने आया। फिर कहता है मुचुंडी से अर्म को ऊपर उठाकर सूची सूत्र के नीचे डालकर ऊपर उठाए। अब कुछ नहीं करना, जैसे ही रोगी ने इधर देखा, बड़ी से पकड़ रखा, मुचुंडी से और पकड़ लिया, अब अर्म दोनों तरफ से ऊपर उठ गया। जैसे ही अर्म ऊपर उठा, उसके नीचे नीडल डाल दी और नीडल के अंदर धागा। क्या करना चाह रहा पता है? ये एक डेडलाइन क्रिएट कर रहा है, लिमिट क्रिएट कर रहा है कि इससे ज्यादा नीचे का पार्ट है वो डैमेज नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही ऊपर उठा हुआ होगा तो उससे रेंज रहेगी ना कि इतना एरिया आर्म का, नहीं तो वो स्ट्रोमा का जो टिश्यू है उसको भी साथ में क्या कर सकता है? छेदन कर सकता है। अब आगे सुनना, आगे लिखता है मंडलाग्र से काट दे। अब यहां काटने के लिए क्या काम आ रहा है? मंडलाग्र। मंडलाग्र से काट दिया, तीन भाग काटने, 1/4 भाग छोड़ना। अब मान लो कि ये आई बॉल है, ये इनर कैंथस था, यहां से ये आर्म दिख रहा है आपको, पेशेंट इधर मूव कर चुका है बोल को, तो ये आपके सामने रहेगा ऐसे आर्म वाला पोर्शन। अब इसमें से कह रहा है कि जो इसकी टोटल मोटाई है ना, जैसे मान लो कि ये आई बॉल का सरफेस है, ये उस पे आर्म है, तो इसकी 1, 2, 3, 4 स्लाइस इमेज मेरी मानो, 3 स्लाइस हटानी, एक स्लाइस जो उससे एडेसिव है, चिपकी हुई है, उसको वही रहने देना। बात समझ आ रही है? अब अगर तुम सुई धागा नहीं डालते तो तुम इमेजिनरी 4 पार्ट कैसे बनाते कि उसकी मोटाई क्या? ये ध्यान रखना कि इसकी चिकित्सा, जैसे यहाँ पे श्लोक में कहीं दिया हुआ होगा और हिंदी इसकी गलत है शायद, देखना 1/3 वाला अर्म के अंदर उल्लिखित मंडलाग्रेन तीक्ष्ण परिशोध्य मिला, और लिखा है प्रशिथिलीभूतम त्रिभीर एवं विलंबित है। तो तीन भाग काट देने और चौथा भाग क्या कर देना है? छोड़ देना। अब आगे देखो क्या लिखते हैं, अगर ज्यादा काट दिया या पूरा काट दिया तो कनिनक छेदन होने से अति स्राव या नाड़ी की उत्पत्ति हो जाएगी। इधर देखो, अगर अर्म यहां था, पेशेंट ने इधर देखा तो सामने आ गया, आपने पूरा ही काट दिया तो आई बॉल का जो टिश्यू है वो कटा, अब वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, वो ब्लड किधर आएगा? कनिनक की तरफ। एक तो ये हो सकता है पहला। दूसरा, अगर आप काट रहे थे उस टाइम पर अंदर की तरफ चला गया शस्त्र, मंडलाग्र तेज होता है, अंदर चला गया तो अब वो सेप्टिक होएगा। सेप्टिक होने के बाद में इसकी जो नाड़ी बनेगी या जो फिस्टूला बनेगा वो किधर निकलेगा? वापिस इनर कैंथस की तरफ। भाई यहां पर है आई बोल का एरिया, यहां प्रिक हो गया, लेकिन ये अल्टीमेटली निकलेगा किधर? इधर। तो कनिनक की तरफ या तो ब्लड आएगा या कनिनक की तरफ क्या बन जाएगी? नाड़ी। ठीक, क्या लिखता है? अति रक्त स्राव या नाड़ी उपद्रव हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन है कि अगर अर्म को त्रिभाग से ज्यादा काट दे तो क्या होगा? ठीक, फिर आगे लिखता है यदि इससे कम छेदन किया जाए तो अर्म की जल्दी वृद्धि हो जाए। तो 1/3, सॉरी मतलब थर्ड भाग, 75% काटना है और 25% क्या करना है? छोड़ना। तो 3/4 आइडियल है, इससे कम किया तो जल्दी वापस वृद्धि हो जाएगी, थोड़ी सी हाइपरट्रॉफी और होगी, फिर कॉर्निया कवर कर देगा। और अगर इससे ज्यादा काट दिया तो कनिनक की तरफ स्राव या फिर नाड़ी उत्पत्ति हो जाएगी। पश्चात कर्म देखो, अब जो बच गया है ना कितना, 1/4, उस पे ब्लेड नहीं चलानी लेकिन उसको हटाना तो है। कैसे हटाएंगे? क्षार, त्रिकटु और लवण से प्रतिसारण करेंगे, स्वेदन, पट बंधन और फिर उसके बाद व्रण के समान चिकित्सा।
और 3 दिन बाद में पट्टी खोलकर कर स्वेद का प्रयोग करेंगे। अब तुम पता है नेत्र पे वैसे तो शोधन करते ही नहीं है ना, नेत्र पे वैसे शोधन नहीं करते, लेकिन फिर भी यहां पर स्वेदन निर्देशित है भाई, ऐसे अवॉइड करते हैं ना, अल्प या फिर नैव ऐसा बोलते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि यहां पर चूंकि बहुत मृदु स्वेद की जरूरत है, तो हाथ को तपाना है, फिर उससे आंख को तपाना है, हाथ को तपाना है, इसी को क्या बोलते हैं कर स्वेद। और हस्त स्वेद काश्यप की देन है, लेकिन कर स्वेद का प्रयोग अर्म की शल्य चिकित्सा में पश्चात कर्म में सुश्रुत ने किया, तल स्वेद किसने बताया, तल बताया किसने, तल स्वेद बराबर चरक, ठीक, हस्त स्वेद बराबर काश्यप के 8 स्वेद में से एक है, अंगुली स्वेद भी काश्यप का कृमि रोगों, ठीक, और कर वाला इसने बोला है, लेकिन स्वेदन के भेदों में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो हस्त स्वेद उसी की देन। फिर आगे लिखता है बचे हुए अर्म के लिए लेख्यांजन का प्रयोग करें, मिला मतलब जितना काट सकते थे उतना काटा, फिर उस पर स्क्रैपिंग करेंगे अंजन से, ठीक। सम्यक छिन्न अर्म का लक्षण विशुद्ध वर्णम अक्लिष्टम क्रियासु अक्षिगतम कलम, सामान्य बात है ठीक से दिखना शुरू हो गया तो वो सारा सही मान। अब या कुछ और लिखा हुआ नोट्स देखो क्या लिखता है, टेरेजियम इज ए ग्रोथ ऑफ द कंजेक्टिवा और म्यूकस मेम्ब्रेन दैट कवर्स द वाइट पार्ट ऑफ अवर आई ओवर द कॉर्निया, द कॉर्निया इज द क्लियर फ्रंट कवरिंग ऑफ द आई, दिस इज बिनाइन और नॉन कैंसरस ग्रोथ एंड ऑफन शेप्ड लाइक ए वेज, खांच जिसको बोलते हैं, है ना। ए टेरेजियम यूजुअली डजंट कॉज प्रॉब्लम और रिक्वायर ट्रीटमेंट बट इट कैन बी रिमूव्ड इफ इट इंटरफेस विद द विजन, तो विजन के साथ इंटरफेस कब होगा, जब कॉर्निया को डिस्टर्ब करेगा उसको कवर करें। कॉजेज की बात करें तो वैसे तो क्लियर कॉज तो पता ही नहीं है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि यूवी लाइट के ज्यादा एक्सपोजर में रहने से इसकी ग्रोथ बढ़ती है, ठीक, कुछ बोलते हैं वार्म क्लाइमेट हो जहाँ गर्मी हो वहां ऐसा होता है, कुछ ऐसा बोलते हैं कि जिस जगह पर हवा ज्यादा लगती है आंख में वहां ऐसा होता है, तो जो एक्सपोज एरिया है ना वहीं पर ज्यादा ऐसा देखने को मिलता है, ठीक। अब इसके अंदर अरे वो कहाँ गया अपना बुक वाला 110, 110 हो, अब देखो एक बार श्लोक में देख लो ताकि समझ में आ जाएगा, ये अर्म की चिकित्सा कर रहे हैं, जो फालतू चीजें वो नहीं पढ़ा रहा, अपांग की तरफ देखना है, बडी से होल्ड करना है, मुचुंडी से भी होल्ड करना है, ठीक, सूची सूत्र अंदर क्या कर देना पुश, और फिर क्या लिखता है न च उत्थाप्यताम शिप्रम कार्यम अभी उन्नत उत्तम, सूची डाल के जब अर्म को ऊपर उठाओ तो जल्दबाजी नहीं करनी। फिर क्या लिखता है आगे, त्रिभीर एवं विलंबितम उल्लिखेत मंडलाग्रहण, तीसरे भाग को किससे काट देना मंडलाग्र, ठीक। फिर आगे क्या लिखता है, अगर तीसरे भाग से ज्यादा काट दिया तो कनिनक उपांतम छिन्याद अति कनिनकम, फिर लिखा चतुर्थ भागे इस्ते मा से अक्षी व्यापन इच्छति, अगर आपने चौथा भाग भी निपटा दिया तो नेत्र के व्यापक हो जाएंगे क्या, कनिनक वद अस्र नाड़ी वापि उपजायित, मिला तो ब्लीडिंग और नाड़ी और हीन छेदन से उन्हें शीघ्र वृद्धि, समझ गए। ये जरूर याद रखना कि 3/4 काटते और 1/4 छोड़ देते, और इस छोड़े हुए को बाद में लेख्यांजन से हटा दे, और जो इसमें अस्त्र शस्त्र काम में आ रहे हैं उन पर जरूर ध्यान दें कि काटने के लिए मंडलाग्र है, होल्ड करने के लिए बड़ी सी और मुचुंडी है, सूच्य और सूत्र का प्रयोग, यह चरक नस्य कर्म, ठीक। नेक्स्ट, अब जो आगे दिए सामान्य बात लिखी हुई है, आगे लिखता है अर्म यद जालक, कौन से जालक है ये, शिरा जाल और दो थे ना,
सिरा जाल और पिड़ का अर्भ में थे, उत्पात और हर्ष सर्वगत में थे। तो सिरा जाल के लिए बोल रहा है कि इसको भी उसी तरह से, किस तरह से, मतलब मंडलाग्र वो बड़ी से और मुचुंडी से पकड़ के और मंडलाग्र से काट देना चाहिए। नेक्स्ट, पश्चात कर्म पढ़ा दिया था अभी मैंने, क्या पश्चात था? एक तो प्रतिसारण करना था त्रिकटु लवण और इनका, और फिर आगे नीचे क्या लिखा था, व्रण के समान चिकित्सा, और 3 दिन बाद में कर सुविदम दत्वा शुरू। नेक्स्ट, बचे हुए अर्म के लिए लेख्यांजन का प्रयोग कर। ठीक, नेक्स्ट पेज पलटो। छेदन योग्य अर्म, जो बहुत ज्यादा बड़ा हो, जो बहुत मोटा हो, स्नायु मांस घन आवृत, और सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है जो सबको पता है, जो कृष्ण मंडल तक पहुंच जाए, जो कॉर्निया का ओवरलेप कर। सम्यक की बता दी मैंने लाइन, विशुद्ध वर्ण क्लिष्टम क्रियासु अक्षी गत क्लिमा। ठीक है, नेक्स्ट, सिरा जाल की अलग से और चिकित्सा दी हुई है, क्या लिखता है? वही बड़ी से पकड़ो, बड़ी से नवलंबित है, मंडलाग्रे उल्लिखित, मंडलाग्र से काट दो और बड़ी से। नेक्स्ट, सिरा पीड़िका की चिकित्सा, साध्य था का साध्य, सन्निपातज साध्य। कहता है कि अगर औषध उपचार से ठीक नहीं हो तो अर्म की तरह मंडलाग्र आदि का प्रयोग करके छेदन करवा देना चाहिए। बेसिकली सिरा जाल और सिरा पिड़का दोनों में ही क्या करवा रहे, अरे छेदन साध्य तो थे, तो किसने लिख दिया अर्म के समान चिकित्सा कर दो, तो वो एक ही बात है, छेदन कर दो बस। तुम तो ये याद रखना, मंडलाग्र और वो बड़ी से और मुचुंडी से होल्ड करते, मंडलाग्र से काटते। ठीक, नेक्स्ट आगे देखो, एक कोटेशन छोड़ दो, पर्वणी का चिकित्सा, क्या था पर्वणी का? तन्वी ताम्र, व्रत शोपम वाली लाइन थी, रक्त दोष था और वेदन साध्य था। वेदन किससे था? हाँ, किससे साध्य था? इससे मतलब छेदन से, छेदन साध्य में था ना, आपने तो बताया 5 अर्म 2 सिराए, तो 5 अर्म 2 सिराए होगी। अब कौन आ रहा है? पर्वणिका। देखो पर्वणिका में क्या बोलता है, लिखता है शस्त्रेण पर्वणिका विचक्षणम उत्तर चैत्री भागे च बड़ी सोन अवलंबितम। ध्यान देना, अब हिंदी के अंदर गड़बड़ कर देता है, यहां हिंदी में तृतीयांश कर दिया, ऊपर त्रि भाग। अब मैं आपसे बोलूं कि आपके पास जितने पैसे हैं उसके 3 भाग मुझे दे दो, मान लो आप 100 रुपए, आप मुझे 75 रुपए दोगे, और हिंदी में लिख रहा है उसका तीसरा हिस्सा दे दो, तो 33 रुपए ही हुए फिर। तो त्रिभाग पे ध्यान देना आप, ये तृतीयांश अंत्यांश कुछ नहीं। ठीक है, फिर आगे सुनना पर्वणी का। अब मेरी बात को सुनिए, जैसे मान लो कि ये आईबॉल है और ये व्रत शोप है, कौन सा? पर्वणी, है ना, ये इसकी मोटाई। ठीक, अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है पता है, कि जो भाग आपको सामने से दिख रहा उस भाग का एडिशन है आईबॉल के साथ में। अगर आप पूरा काटने की कोशिश करोगे तो वही कहानी हो जाएगी, कनीनक अस्त्र और नाड़ी वाले। ठीक, नहीं हटाओगे तो पेशेंट परेशान रहेगा। शो पतला है तो इसने क्या किया, इसकी जो टोटल मोटाई है ना 75%, उसको ऊपर उठाया और उसका आधा ही काटा। 75% को ऊपर खींच के और इसने मेजर करा और 75 के आधे को काट, क्योंकि बहुत पतली है, तो तीसरा हिस्सा काटे तो ये पक्का चांस है कि आई बॉल के अंदर वो लग सकता है। पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन त्रिभाग काट दिया ऐसे बोल दिया, लेकिन काटने में तो दिक्कत है, समझ पा रहे हो? तो क्या लिखता है कि तीसरा भाग, मतलब 3 भागों को बड़ी से पकड़ कर ऊपर उठा लो, फिर
है, छिन्यात ततो अर्धमग्रे, उसमें से आधे को ही क्या करना चाहिए, काटना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो वही शाद अश्रु नाड़ी अतो अन्यथा, अगर इससे ज्यादा किया ये वाला का, फिर उसके बाद प्रतिसारण किसका, सैंधव और शोद्र का, और इसमें भी वही बची हुई शेष व्याधि के लिए लेखनी चून का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाओ। शंखांजन, अब योग है ये, बस नाम याद रखना है, अर्म शिरा पीड़िका शिरा जाल नाशक कौन, शंखा। चलो नेक्स्ट, अब कौन बच गए, दो अर्श और एक अर्बुद, ये तो बचे। यहां भी कहानी वही है, मंडलाग से काटना, सूची से ऊपर उठाना, सैंधव काशीस का प्रतिसारण, शेष व्याधि का सार से लेखन। अर्श है तो सार कर ऐसे याद रखना, अर्बुद है तो भी सार, बाकी दोनों जगहों पे लेख्यांजन था, किसमें, अर्म में और पर्वणी, यहाँ किसका प्रयोग हो रहा है, शेष व्याधि के लेखन हेतु सार का, किसमें, दोनों अर्श अर्बुद। लास्ट लाइन, अर्म चिकित्सा में परिहार काल 1 मास। मैंने तो ऐसे याद कर रखा था, अर्म मैं से महा ऐसे आप। नेक्स्ट, पक्षमकोप चिकित्सा, अब पक्षमकोप की चिकित्सा अपन एक बार उससे जरूर पढ़ते हैं नोट्स। देखो श्लोक मैंने यहां लिख रखा पूरा, पक्षमकोप एक सनिपातज वर्तमगत याप्य रोग, और इसमें 4 तरह की चिकित्साएं होती है, औषध शस्त्र सार और अग्नि, यही चारों चिकित्साएं और किसमें होती है, इसमें अर्श पढ़ी थी ना, प्रसर्त वाले में कौन सा करनी थी, प्रसर्त अर्श है ना, और कठिन वाले में कठिन वाले अग्नि, फिर औषध किस में कर थे, औषध किस में प्रयोग कर रहे थे, औषध उसके औषध वाले की लाइन याद है किसी को, थोड़ी सी औषध अल्प नवीन अनुपद्रव ऐसी लाइन थी है ना। चलो अब देखो, निदान हो गया था, लक्षण हो गया था, शस्त्र कर्म यहां पर पूरा श्लोक लिखा हुआ है, लेकिन मैं वहां ले चलता हूं जहां इसकी बात। पहले शस्त्र कर्म वाला फोटो समझना, देखो यहां पर अगर जूम करने की वजह से फोटो ठीक से नहीं दिख रही, तो मैं कलर में लिख देता हूं, ये एक, ये दो, ये पॉइंट है, ये दूसरा। अब सुन, ब्रू के नीचे वर्तम को 2 भाग छोड़, ये ब्रू है, ये वर्तम है, इसके 3 हिस्से कर लेते हैं, ये इसके 3 हिस्से हो गए, तो ब्रू से नीचे वर्तम को कितना छोड़ना है, 2 भाग, तो ये भी छूटेगा ये भी छूटेगा, तो इसकी सीध में मतलब इस जगह पर चीरा लगाना। अब बात को सुनना, ये आईब्रो ये आईलिड, इससे लेके इस एरिया को 3 भागों में बांटना, ऊपर से नीचे आना है, 2 भाग छोड़ने, तो ये एरिया आईलिड के पास में होगा ना, है ना, जहां ऊपर के दोनों भाग छूट जाए
उस जगह पर यव आकृति का चीरा लगाना है ऐसे, वर्तम के एक भाग ऊपर, भ्रू के दो भाग नीचे, यव आकृति का चीरा लगाना। क्या होगा इससे? देखो, मान लीजिए मैं पक्षम को का रोगी हूं और आई लेंस अंदर की तरफ मुड़ी हुई, अब यहां चीरा लग गया तो आर पार लगेगा चीरा, तो पूरा चीरा लगने के बाद वो हील होएगा, जैसे हील होएगा तो श्रिंक होगा वो टिश्यू, और श्रिंक होते ही क्योंकि आईलिड के पास वाला एरिया है तो ये बाहर की तरफ यूं घूमेगा, जितना यहां से खींचेगा उतना ही आईलिड बाहर की तरफ। इस चीरे को लगाने के बाद में घोड़े के बाल से सीवन करना चाहिए। इसका टांका किससे लगता है? घोड़े के बाल से, ठीक है। उसके बाद में सर्पी और मधु का क्या कर देंगे? लेप, और ललाट पर उस दागे, मतलब उस बाल सहित ललाट पर क्या कर देंगे? पट्टी बांध देंगे, ठीक है। स्थिर होने पर टांके खोल देंगे, मतलब धागा, उसमें धागा क्या अश होगा, बाल निकाल लेंगे। 2014 या 15 बीच जो क्वेश्चन है कि पक्षम कोप चिकित्सा में सीवन कर्म में उपयोगी द्रव्य किसका? बाल, घोड़े का। अब बहुत ध्यान सुनना, यहां दो चीजें और ध्यान देने वाली। जैसे मान लो कि ये जो सुंदरी है ये उसकी आंख, ठीक है। अब ये इसकी कनिनक, ये इसकी अपांग, ये इसकी ब्रू, ये इसकी आईलिड। तो इसमें तो अपन ने क्या करा, ऊपर से दो भाग छोड़ के, तो ये ऑलमोस्ट यही आएगा। यव पड़ा, ये यव है, दिख रहा है ना, ये क्या है? यव, इस आकृति का चीरा। इधर से भी सेंटर में होना चाहिए कनिनक और अपांग के मध्य, ताकि दोनों तरफ से बराबर खींचे, जब श्रिंक हो ना तो बराबर खींचे, तो पूरी की पूरी जो रो है ना लैशेस की वो घूम जाए ऊपर की तरफ। अब श्लोक में आ जाओ, समझ में आ जाए क्या लिखता। त्रिउपविष्टस्य नरस्य चर्म वर्त्मो पृष्ठाद अनुत्रियगेषु भ्रूर अधस्ताद परिमुच्चम भागो पक्षमाश्रितम च एक मतो अवक्रंतेन कननिका अपांग समम समंताद यव आकृति। मिल गया, कन्नक अपांग के बीच में यव आकृति का चीरा लगा रहे हैं। भ्रू की तरफ वर्तम से चलें तो एक भाग, और भ्रू से वर्तम की तरफ चलें तो दो भाग छोड़ के, ठीक है। फिर क्या लिखता है? उत्कृत्यम शस्त्रेण यव प्रमाणम, यव आकृति यव प्रमाण, बालेन सिव्येद भीष्मम अप्रमतम। अब इसकी टीका और रखी, टीका में लिख रखा घोड़े का बाल, यहां सिर्फ बाल लिखा। फिर उसके बाद में क्या करेंगे? सर्पी और मधु, इनका प्रयोग करेंगे किसके लिए? व्रण की हीलिंग के लिए टांका लगा। फिर ललाट देशे चे निबद्ध पट्टम, मिला उस धागे को यहां बांध के और ललाट पट्टी लगा। इस तरह से ये सारा जो मामला है ये पक्षम कोप चिकित्सा में शस्त्र कर्म वाला। दूसरा, शस्त्र के बाद अग्नि और क्षार। शस्त्र कर्म से रोग की शांति नहीं हो तो वर्तम को उलट कर अग्नि या क्षार कर्म कर। अब क्या करना है? ये आईलिड है, इसको ऐसे कर दो तो जो अंदर की तरफ बाल घूमे हुए हैं वो हेयर फोलिकल्स आपको विजिबल हो जाएंगे, उन हेयर रूट्स के अंदर या तो अग्नि से जला दो या क्षार का प्रयोग कर। तो शस्त्र कर्म से रोग की शांति नहीं हो तो वर्तम को उलट कर अग्नि या क्षार का प्रयोग करें। ततो अग्नि नाम वा प्रतिसारिये सारेण वा सम्यक वेक्षम धीरम छित्वा सममम वापि उपक्षम मालाम सम्यगम ग्रहीतम बड़ी से भी। यहां पर होल्ड के लिए बड़ी का प्रयोग हो रहा है, ठीक। और क्या कह रहा है? उपक्ष माला, मतलब वही आई लेसेज की जो सेकेंडरी रो जिसकी वजह से पक्षम को हुआ है। आयुर्वेद ये मानता है कि जो नॉर्मल सबकी आई लेसेज है ना उसके अंदर की तरफ एक नई रो भी होती है कुछ लोगों में, वो चुभती, तो उस उपक्षम माला को हर जगह से क्या कर दो? जला दो सार या अग्नि से। नेक्स्ट, औषध कर्म इंपॉर्टेंट है। पथ्या फलेन प्रतिसार्य घृष्टेन व तोवरण के, पथ्या फल मतलब हरित की प्लस तुवरक से घर्षण करना किसका? आईलिड्स। तो चार बातें हुई बाबू, पहली कौन सी? शस्त्र कर्म, वापिस समझा रहा हूं सुन लेना। ये आंखें, ये कनिनक, ये अपांग, ये आईब्रो और ये आई लेसेस, एक दो
और ये तीन भाग बन गए, ऊपर से दो भाग छोड़ के मतलब बिल्कुल सेंटर में यहां पर यव आकृति का, यव प्रमाण का चीरा लगाना है। फिर उसको किससे सीना है? घोड़े के बाल से। फिर इलिंग के लिए मधु और सर्पी। फिर उसके बाद में पट बांध देंगे और ललाट के ऊपर, ठीक है। फिर ये बोल रहा अगर इससे काम नहीं बना तो क्या करेंगे? क्षार और अग्नि, क्षार और अग्नि कर्म के समय बोल रहा है कि अगर उपपक्ष माला ठीक से नहीं दिखे तो बड़ी से पकड़ के और बर्तन को घुमा दो। तीसरा हो गया, चौथा कौन सा? औषध। औषध में क्या क्या? पथ्या, फल और तुबरक, बस ये इसकी चिकित्सा। अब आ जाओ वापिस उधर किताब में। ये जो यहाँ पढ़ा था वही श्लोक है, श्लोक ही कॉपी था पूरा ये। और ये कैसे पता चला? पता है भ्रूरदस्ताद परिमुच्यम भागव लिखा हुआ है, दो मतलब दो है ना, और या फिर पक्ष माश्रित की तरफ से मानो तो एक इधर से। यव प्रमाण, यव आकृति करिणक अपांग के बीच में, ठीक। सर्पी मधु से व्रण का जो है इलिंग के लिए, ललाट देश पे बंधन। नेक्स्ट आगे बढ़ो। अग्नि चिकित्सा पढ़ा दी, अग्नि और सार दोनों ही हैं। तत्व अग्नि नाम वा प्रतिशारी सारेण वा सम्यक, और कुछ लिखा ही नहीं। और ये रही उपक्षमाला छेदन की विधि। अब ये भी शस्त्र गर्मी है। अब ये वही बात है कि अग्नि और सार के लिए जैसे आप बर्तन को होल्ड करते हो और उस टाइम अग्नि और सार से हेयर फॉलिकल जलाते हो, वैसे नहीं जला के और वहां पर क्या चला दो? शस्त्र चला दो, तो हेयर फॉलिकल को निकाल दो वहां से, काट दो। फिर ये वाली लाइन, ये औषधि पथ्य बलेन प्रतिसारी ग्रस्टेन बातों पर इंपॉर्टेंट है, पक्की आएगी एग्जाम। नेक्स्ट फेमस लाइन, वैसे सबको पता होगा, फिल इन द ब्लैंक्स में आती है, चत्वारेण एते विद्योगयंतम डॉट 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 पृथगम एवं शस्तम, किसकी चिकित्सा है? पक्षम। नेक्स्ट दृष्टिगत रूप, दृष्टिगत का वो बताओ मुझे श्लोक, श्लोक क्या मतलब? वो डिवाइडेशन टोटल कितने थे? 12, 12 में 6 तो यहाँ पे तीन, तीन अच्छा तीन साध्य थे ना, साध्य का आगे शस्त्र गर्त कर दो, और तीन ये लिखा हुआ श्लोक में। अब देखो ऊपर ऊपर लिखा तीन रोग है शस्त्र गर्त साध्य, धूमदर्शी पित्त विदेह दृष्टि श्लेष विदेह दृष्टि, इसने साध्य लिखा, पर अपन जानते हैं कौन से साध्य ये। फिर तीन असाध्य कौन कौन से? भस्म जाड्य, नकुल आंध्य और गंभीर, और छह प्रकार के कांच क्या है? याप। फिर लिखा धूमदर्शी में पैतिक अभिशन के समान चिकित्सा करनी चाहिए, कल ही पढ़ लिया था सत्य कथन। फिर आगे लिखता है ततो पित्त विदग्धायाम विदग्धायाम कफे न च पित्त श्लेष महरम कुरियाद विधि शस्त्र शताद रते, ऐसे शस्त्र करते हैं ना तो शस्त्र सत नहीं करना चाहिए, पित्त विदेक दृष्टि में पित्त की चिकित्सा, कफ विदेक दृष्टि में कफ नाशक चिकित्सा करनी चाहिए। चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ो, कोई छूट जाए तो बताना मेरे को, है ना? छूट तो नहीं रहा ना, क्योंकि इसमें लास्ट वाली लाइन तो वैसे एक ही। देखो दिवा आंधे रात्रि आंधे हर अंजन लिखा हुआ मिला, कोटेशन नंबर 10, दिवा रात्रि आंधे हर अंजन, बस वैसे ही याद रखना कि पित विदेक दृष्टि कब विदेक दृष्टि में दिवा आंधे रात्रि आंधे होता था, तो उनके हिसाब से एक अंजन दिया। नेक्स्ट
आगे देख, काश्मर आदि अंजन, कोटेशन नंबर 15, पित विदित दृष्टि। काश्मर किसको कहते हैं, किसमें काम करेगा? पित विदित दृष्टि। नेक्स्ट, नक्तांदे हर अंजन। अब नाम ही ऐसा ही है, काम भी वही है, नक्तांदे हर अंजन मिला। फिर उसके बाद में आगे चलोगे, गोमूत्र आदि रस क्रिया दिया हुआ, मूत्री का रस क्रिया कहां थी? अष्टांग संग्रह कौन से रोग में? ये वैसे ये गोमूत्र आदि रस क्रिया, ये नक्तांध की चिकित्सा में होती होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अजामेदो अंजन मिला। आप एक लाइन लिख लो, नक्तांदे के अंजन में क्या लिखोगे? नक्तांदे वाले अंजनों में क्या होता है? नक्तांदे के जो अंजन है ना, उनमें कॉमन कंटेंट क्या होता है सब में? जो इनका कंपोजिशन है ना, उसमें कॉमन चीज क्या मिलती है? पहले वाला जो पढ़ा उसके बेस पे पूछ रहा हूं, नक्तांदे रंजनों में मांस नहीं मिलता क्या? जो नक्तांदे की चिकित्सा करते हैं ना सुश्रुत, उन ज्यादातर अंजन में क्या मिलता है? मांस। जैसा आप देखो, ये अजा मेदो अंजन लिखा मिला, इसके अंदर क्या पड़ा? मेद यकृत सब पड़ा, किसका? अजा। फिर उसके बाद पेज पलटो, हिरण वाद्य अंजन है, इसके श्लोक के अंदर देखो, मेरे वाले में तो क्या कट रहा है, तुम्हें क्या दिख रहा है बीच में? यकृत रसेन अंजनम, ऐसे मिला, किसमें काम आएगा अरुणवादी अंजन? अब ध्यान देना, इसके श्लोक के लास्ट लास्ट लिखा है श्लेष्म उपदृष्टि। आप ऐसे याद करना कि अरेणुवाद्य अंजन रोगाधिकार फर्स्ट आंसर कफ विदित दृष्टि, और कफ विदित दृष्टि में नक्तांदी तो होता है, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था पिछली बार, उस टाइम बताया था, शायद भूल गए तुम लोग, कि नक्तांदे के अंजन जो होते हैं उनके अंदर मांस होता, तो कब विदित दृष्टि कर देना। नेक्स्ट, आगे देखो, आगे देखो क्या लिखा, गोदाय, और कहां आ गया 78। आगे देखो क्या लिखा है, गोधा कृदंजन मिला। आगे क्या लिखा है इसमें, यकृदंजन नक्तांदे महेश। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जितने भी नक्तांदे के अंजन है ना, उनके अंदर आपको क्या मिलेगा? मांस तो मिले, और अरेणु गाद्य का आंसर क्या करोगे? कवि दृष्टि, लेकिन उसमें नक्तांदे होता, ठीक है। आगे देखो, अजा यकृदंजन, अजा यकृत मांस है कि नहीं है? अरे है ना, ये भी क्या करेगा? नक्तांदे का नाश। यकृत प्लिया आदि अंजन, ये भी क्या कर रहा है? नक्तांदे का। दिनों दिन विमूढ़ होते जा रहे हैं। गुटी का अंजन, ये दिवांध्यम, जिसको दिन में नहीं दिखता उसको गुटी का। वहां भी है, वहां भी है, यहां भी, मतलब दोनों ही जाएंगे, विमान देवी और वातिक वाले। चलो आगे देखो, 28 नंबर का कोटेशन, याप्य रोगों में क्या करें, क्या लिखता है? सबसे पहले क्या करना चाहिए? शिरामोक्ष, फिर उसके बाद में विरेचन, पुराण सर्पी आदि का प्रयोग, ठीक। नेक्स्ट, तिमिर की चिकित्साएं दे रखी, छोड़ रहा हूं मैं, बस ये 31 वाला देख लेना। इतम च विद्या त्रिफला घृतम सदा कृतचम यतमेश विषाण नाम मिला। कह रहा है कि तिमिर के रोगियों में त्रिफला घृत जो होता है वो सदैव हितकर होता है। नेक्स्ट,
आगे बढ़ोगे तो एक शब्द लिखा प्रत्यंजन, मिला? क्या मतलब होता है प्रत्यंजन का? प्रत्यंजन क्या होता है? ये अंजन के तीक्ष्ण अंजन के प्रयोग के बाद में जो अगला अंजन लगता है ना, वो आंख को ठंडा करने के लिए लगता है, उसको प्रत्यंजन कहते हैं। जैसे प्रतिविष, तो तीक्ष्ण अंजन तो क्या है? तीक्ष्ण है। अब आंख में जलन होती है उससे भयंकर, आंख कच्ची पड़ जाती है, कच्ची पड़ जाती है तो मतलब अगर हल्का सा लाइट है खुले तो भी दुखती। तो प्रत्यंजन को वाग्भट ने क्या कहा? और मैं मार डालूंगा सालों तुमको। हाँ, वाग्भट ने प्रत्यंजन को हिम कहा है। हिम मतलब ठंडा ही तो हुआ। अंजन लगाने के बाद जो अंजन लगाते उसको प्रत्यंजन। नेक्स्ट, ये कुछ भी कंटेंट वंटेंट याद मत करना, है ना, टाइम खराब मत करना इन सब। नेक्स्ट, अगला पेज, फिर उसके बाद और अगला पेज। नेक्स्ट देखो 52 नंबर का कोटेशन, 52। विवर्जियत शिरा मोक्षम तिमिरम रागम आगते। अब जितने भी यहाँ पे रोग थे, तिमिर फिमिर, इन सब में शिरा मोक्षण करते हैं सबसे पहले। लेकिन जिस तिमिर के रोगी में आंखों में लालिमा आ जाए, उसमें ऊपर लिख दो राग प्राप्त तिमिर में शिरा मोक्षण वर्जित है, सत्य कथन है। क्या लिखोगे? राग प्राप्त तिमिर में शिरा मोक्षण वर्जित। और इसके ऊपर लिख दो तिमिर आदि छह याप्य यादियों में, व्याधियों में सर्वप्रथम क्या करवाना चाहिए? शिरा मोक्ष। प्रथम पटलगत तिमिर साध्य होता है, द्वितीय पटलगत तथा राग प्राप्त तिमिर क्या होता है? कृत साध्य। और तृतीय पटलगत क्या होता है? याप्य असाध्य तो होता ही नहीं तिमिर। तिमिर असाध्य हो ही नहीं सकता। श्लोक सही है, हिंदी गलत है। अरागी तिमिरम साध्य माध्यम पटलाशितम कृत्रम द्वितीयम रागी शातम तृतीय याप्य मुच्च। और यही गलती एग्जाम में होगी कि पहले में साध्य, दूसरे में याप्य, तीसरे में साध्य। तो ऐसे याद रखना कि भाई तिमिर तो असाध्य होता ही। अब राग प्राप्त तिमिर की चिकित्सा लिखो, जहां आपने वो लिखा ना राग प्राप्त तिमिर में शिरा मोक्षण वर्जित है, वहां लिखो उसके आगे, इसलिए जलोका से रक्त मोक्षण करवाते, क्योंकि रक्त मोक्षण तो करवाना है ना। अब राग है तो पित्त है, उष्णता है, और जलो आया करेगी शीतल। तो ये जामनगर 2015 में पूछा था ऐसा क्वेश्चन कि या मल्टीपल स्टेटमेंट थे, या पे रोगों की प्रथम चिकित्सा शिरा मोक्ष सत्य था, राग प्राप्त तिमिरों में शिरा मोक्ष वर्जित है सत्य था, राग प्राप्त तिमिरों में जलोका से रक्त मोक्ष करवाते सत्य था। चलो लिंगनाश की कैसे करेंगे चिकित्सा ऊपर। अब लिंगनाश का मतलब क्या हुआ? मतलब परमानेंट क्या मतलब? आई साइड गई, कुछ नहीं दिख। अब ये जो लिंगनाश बता रहा है ना, ये है ग्लूकोमा। मैं सही बता देता हूं आपको,
ग्लूकोमा अपने आप में एक अधिमंत से कोरिलेशन है, वो अलग बात। लेकिन मैंने आपको परसों लिंगनाश का मीनिंग समझाया था, तो लिंगनाश तो एक कंडीशन है कि दिखाई नहीं देना, बीजन गया, तिमिर की वजह से लिंगनाश होता, आयुर्वेद इतना ही मानता। लेकिन आयुर्वेद में ये पता है कि लिंगनाश ग्लूकोमा की वजह से भी हो सकता। अपन कैसे कह रहे हैं कि ये लिंगनाश जो बता रहे हैं वो ग्लूकोमा है, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा है कि आप आईबॉल को क्या करोगे, पंचर, उसमें से फ्लूड बाहर आएगा, प्रेशर रिलीज होगा और शब्द उत्पत्ति होगी। तो ये तो ग्लूकोमा में भी है, बाकी उसके अंदर तो है ही नहीं। तिमिर के अंदर काहे से प्रेशर थोड़ी बढ़ता, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर राइज किसमें होता है, ग्लूकोमा में। तो यहां जो लिंग नाश की चिकित्सा है वो बेसिकली क्या है, लिंग नाश वाली चिकित्सा मेंशन करी होगी नोट्स में, देखें जल्दी देखो नोट्स मेंशन है तो वो बहुत इजी वे में कर रखे। चलो नहीं है, अब सुनो फिर, इधर समझा रहा हूं ध्यान देना। एक फोटो ले आता हूं मैं, ज्यादा ठीक से समझ में आऊंगा, एक बार समझ जाओगे तो गड़बड़ होगी नहीं। करूं ये सही है, देखना ये कह रहा है, ये समझ में तो आ रहा है ना, ये राइट वाली आई है किसी की, इधर इनर गैंथस है या लैक्रिमल सैक है, ये प्यूपिल आयरिस क्लेरा सब पड़े। अब ये कह रहा है कि लिंग नाश की चिकित्सा में आपको पंचर करना है, मतलब प्रिक करना, ठीक, कहाँ करना है ये कह रहा है। आप पेशेंट को बोलो इनर गैंथस की तरफ देखिए, कनिनक की तरफ देखी। अब जब ये आंख इधर की ओर जाएगी तो अब डॉक्टर के सामने फ्रंट में कौन सा एरिया होगा, ये वाला। अरे तुम बात समझ रहे हो क्या, जैसे जैसे मैं अगर इधर देखूंगा तो ये वाला एरिया बीच में आ जाएगा ना, समझ गए। अब सुनो, ये जैसे ही सेंटर में आ गया, अब ये बोल रहा है इसके तीन भाग कर लो। तो मैं ये जो ये आई बॉल है, ये इधर नाक है, अब ये वाला एरिया मेरे सामने पड़ा है, ये इधर तो कृष्ण मंडल चला गया क्योंकि इधर भूमि हुई है। ये जो मेरे सामने व्हाइट वाला एरिया है ना, ये पूरा ही कौन सा है, बिटवीन द कॉर्नियल मार्जिन एंड आउटर कैंथस, ये एंटीरियरली मेरे सामने, ठीक। अब इसके अंदर ये क्या कह रहा है सुनना, ये कह रहा है कि
शुक्ल भाग से दो हिस्से छोड़ने, कृष्ण तारक की तरफ से। तो देखो इधर, कृष्ण तारक की मार्जिन ये है, आउटर कैंथस ये है, तो 1 2 ये तीन हिस्से बन गए। और प्रिक किस जगह होगा इसमें? इस जगह, क्योंकि एक हिस्सा ये छूट गया कॉर्निया की तरफ से, दूसरा ये छूट गया, इसके अंदर प्रिक करना है। कहां करना है? देवकृत छिद्र में। देवकृत छिद्र का मतलब है भगवान ने जहां पर पहले से ही स्पेस दे रखा, मतलब जहां कोई मेजर वेसल्स जो है उसके प्रिक होने का डर नहीं है। जिस जगह पर कोई मेजर आर्टरी वेन या नर्व की ब्रांच नहीं जाए, तो देवकृत छिद्र के अंदर करना चाहिए। अब जैसे ही यहां पर प्रिक करेंगे तो क्या होगा? तो देखो क्या होगा, मैं श्लोक पढ़ रहा हूं एक बार, आप वाली बुक में देखना। आप यहां थोड़ा साफ नहीं दिख रहा, इसने मिस्टेक कर दी जिसने ये किताब जो है उसको करा। लिखता है स्निग्ध स्विंद तश्य अथ काले न अति उष्ण शीतले, तो सामान्य बात है, स्नेह सेवन करा दो, न ज्यादा ठंडा मौसम हो न ज्यादा गर्म, यंत्रितम। अब पेशेंट के हाथ पांव बांधने पड़ेंगे, नहीं तो आंख के अंदर सुई थोड़ी चुभो नहीं देगा। यंत्रित करा लिया, फिर क्या लिखा? नासा सम नासाम पश्यत समम, नाक की तरफ देखना, कनी नाक, ऐसे तो याद कराया था इनर कैंपस। मतिमान शुक्ल भाग धो कृष्णान मुक्त्वा अपांग तक, कृष्ण भाग से अपांग की तरफ दो भाग छोड़ दे, मतिमान मतलब बुद्धिमान विद्ध। फिर उन्मिलम नयने सम्यकम सिरा जाल विवर्जिते न अधो न ऊर्धो न पार्श्वाभ्याम छिद्रे देव कृते तत्, न ऊपर न नीचे न साइड, किस जगह प्रिक करना है? देव कृत छिद्र। शलाकायान प्रत्यनेन विश्वस्तम यवक्रम, लिखो लिंग नाश की चिकित्सा में कौन सी शलाका काम आती है? यव वक्र। किधर देखता है? नासा संपश्चित, और अर्ब में उल्टा था, अर्ब में अपांग की तरफ देख रहे थे, ऐसे याद रह जाएगा ना, ऐसे अर्ब ऐसे अपांग। अर्ब से तो दो चीज याद होगी, इधर देखो ऐसे अर्ब ऐसे अपांग की तरफ देखना, मैं से एक मास, ऐसे याद, जैसे कोल को नहीं याद रखते, कदर और लगन। और इसमें लिंगनाश में कौन सा लाका? जब वक्र, ठीक। फिर उसके बाद में लास्ट में एक लाइन लिखी जो सबको समझ में आती है, कि अगर रोगी की दाई आंख है तो वैद्य बाएं हाथ से, और रोगी की बाई आंख है तो वैद्य दाएं हाथ से। अब तुम मेरे सामने बैठ जाओ, तुम रोगी हो, ये शलाका है। अब मान लो तुम्हारी राइट वाली आंख खराब है, तो मेरा लेफ्ट वाला हैंड काम करेगा, उस सामने बैठोगे ना, तुम सामने बैठे हो, तुम्हारी राइट वाली जो आंख है मेरे लेफ्ट वाले हाथ के सामने आएगी, और जो तुम्हारे लेफ्ट वाली आंख है मेरे राइट वाले हाथ के सामने, सामान्य बात लिखी। अब पता क्या चले कि सम्यक रूप से ऑपरेशन हुआ कि नहीं हुआ, तो सम्यक वेदन कैसे होगा देख। अच्छा दूसरा एक लाइन लिखना, लिंगनाश की चिकित्सा में कौन सा शस्त्र कर्म करते हैं? वेदन कर। लिंगनाश की चिकित्सा में कौन सा शस्त्र कर्म करते हैं? वेदन कर, लिखा है ना, विषगम सव्यम विद्येत, मिला लास्ट लाइन में। ऑनलाइन वालों अबे कुछ तो बोलो, अरे सो गए क्या? आओ अब मेरी बात सुनना। कहता है वारी बिंदु आगमम सम्यकम भवेत शब्द तथा विद्य। अब जिस भी चीज के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, जब एकदम से प्रेशर रिलीज होता है, तो जिस चीज की वजह से प्रेशर है वो सारा एक साथ निकलने की कोशिश करता है वहां से, तो इसकी वजह से वहां पर क्या होता है? शब्द उत्पत्ति। बैलून को फोड़ो, हवा एक साथ बाहर आना चाहती है, आवाज आती। तो वारी बिंदु आगम का मतलब है अंदर जो इंट्राओकुलर प्रेशर जिस लिक्विड की वजह से बढ़ा हुआ था वो आ गया बाहर, और शब्द उत्पत्ति हो गई, ठीक। अब क्या करें? योषित स्तन्य से उस विद स्थान पर परिषेक करें, इंपॉर्टेंट, हीलिंग एजेंट की तरह काम करेगा ये। योषित स्त्री मतलब स्त्री शीर कह दो,
या जिस योशिता किसको बोलते हैं, जिस कोलोस्ट्रम के हिसाब से, या कहीं भाई प्रसुप्त आगे जो शीर होता है उसको बोलते हैं। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से वेदन के बाद में, स्वेदन वगैरह वगैरह करने के बाद में क्या बोल रहा है, शलाका अग्रेण तू ततो निर्लिखित दृष्टि मंडलम विद्यतो यो अन्य पार्श्व अक्षिणस्तम रुद्वा नासिका पुट्टम उच्छीनेन एनम कर्तव्य दृष्टि मंडलम कफ। लिखता है छींकना वींकना इन सब क्रियाओं के द्वारा जो भी मल वगैरह नासा में रह जाए इस क्रिया के बाद उन सबको निकाल देना चाहिए। तो सिंपल सी बात यह कि शलाका के अग्रभाग से दृष्टि मंडल का लेखन करना है। अब ये बात थोड़ी सी वैसी है कि यहाँ टेरिज्म तो है नहीं, न ये यहाँ पर कोई बाहर से फिजिकली ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा, लेकिन आचार्य ने अपने हिसाब से लिख दिया। तो आप थोड़ा सा ऐसे याद रखना कि लिंग नाश में सम्यक वेदन के पश्चात जो हीलिंग के लिए योशिता स्तन था वो तो हो गया था। अब व्हाइट वाले पार्ट के अलावा इसको कृष्ण वाले पार्ट की भी शुद्धि करनी है लिंग नाश की चिकित्सा के लिए, तो वहां इसने ऐसा बोला है कि लेखन द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है चलो आगे उसको छोड़ देना, सम्यक लेखन वेखन पढ़ लिया अपन ने, वो नख वाला ही सही है। नेक्स्ट आगे देखो 70 नंबर का कोटेशन, लिंग नाश की शल्य चिकित्सा में परिहार काल कितना कितना, 10 दिन। दशाम एवं संयम हितम दृष्टि प्रसाद। इससे पहले वाला मेरे को दिखा नहीं क्या था, आइए लिख देना इसमें कि अगर लिंग नाश चिकित्सा में पट्टी खोलनी पड़े 3 दिन का ही तो सामान्य नियम है, पट्टी वैसे ही कब खुलती, 3 दिन। इसका कितना परिहार काल लिंग नाश का, 10। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे चलोगे तो कोटेशन नंबर आएगा आपका 75। 75 क्या लिखता, देखो देवकृत छिद्र में अगर वेदन नहीं हुआ तो क्या होगा, कष्टाम रुकम प्रवर्तते। ठीक, अब ये लाइन थोड़ी सी क्या है, इसने हिंदी में गलत लिख दी, वैसे सही लिखी है, देवकृत छिद्र में ही वेदन हो तब तो सही है, उसके ऊपर नहीं लिख के इसको लिखना चाहिए था उसके अलावा कहीं वेदन। ऊपर का मतलब भी उस छेद के अंदर तो नहीं, उसके ऊपर, लेकिन नीचे भी हो सकता है, साइड में भी हो सकता है। तो देवकृत छिद्र के अलावा अगर कहीं वेदन हुआ है तो क्या होगा, कष्ट और रुझा। ऐसी स्थिति में किस कि, किस से चिकित्सा करें, पोषण ग्रंथ से परिषेक करना चाहिए। फिर अगली लाइन लिखता है, अगली छोड़ देना है, छोड़ देना छोड़। नेक्स्ट 78, 78 79 छोड़ देना, 80 भी छोड़ देना। नेक्स्ट देखो 82 और 83, राजस्थान पीजी 2015 में इससे क्वेश्चन आया था और वो बोनस हो गया था क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले ने दिमाग लगाया नहीं। लिखता है शलाका कर्कशा शूलम। अब शलाका जिससे आप पंचर कर रहे हो कौन सी, यवक्रा, समझ रहे हो, अगर उसमें कोई दोष होगा तो उससे क्या व्यापद होगा, मिलान करने में आया था उस टाइम। तो लिखता कर्कश शलाका है तो शूल उत्पन्न होगा, खर है तो दोष परिप्लुतम, मतलब दोषों की प्राप्ति होगी नेत्र में, स्थूल अग्र आगे से मोटी है तो मोटा व्रण हो जाएगा, व्रण विशाल, बहुत ज्यादा शार्प है तो इनसेद अनेक दाम, जल श्रावंतु विषमाम, टेढ़ी मेढ़ी है तो क्या होगा, जल श्राव, क्रिया संगम अस्थिर। अब मान लो वेद जी का हाथ ही कांप रहा है आंख को देख के, तो क्रिया संगम मतलब वो काम हो ही नहीं पाएगा, ये जरूर से याद करना बाबू। नेक्स्ट, जिस दिन से शाला के पढ़ना शुरू किया उस दिन से पढ़ रहे थे, जो शलाका से काम करता वो शाला की, तो शलाका क्या है, शलाका लिखता है अष्टंगुलायताम मध्य सूत्रेण परिवेष्टिता अंगुष्ठ पर्व संहिता वक्त्रियोर मुकुलाकृति। प्रशस्त शलाका कितने अंगुल लंबी है, अंजन वाली है ये, 8 अंगुल, बीच में धागा बंधा हुआ,
मोटाई, अंगुश उदर के परिमाण की, और मुंह आगे से कैसा मुकुल आकृति, मतलब पुष्पकलिका किस्म, किसकी बनी होती है वो तो देखो अपनी अपनी हैसियत है, ताम्र अयस्क वगैरह वगैरह। चलो नेक्स्ट, ये जो ब्लैक वाले श्लोक आ रहे हैं उनका ध्यान रखना, कोई निकल नहीं जाए श्लोक। नेक्स्ट, आगे आना आगे आना आगे आना, बहुत सारा आगे विमर्श दिया उस सारे को छोड़ के आना। यहां से अपना कौन सा चालू हो जाएगा, क्रियाकल्प। अब मेरी बात सुनना, इसके अंदर क्रियाकल्प अपन क्या क्या पढ़ेंगे, मेरे कहने का सेंस है कि आप क्रियाकल्प से संबंधित जो भी चरक में आपने पढ़ा है ना वो टिप्स में होना चाहिए। इसमें जो जो टॉपिक अपने कवर होंगे वो एक बार देख लेना। इसके अलावा बागभट में से मूर्ध तेल पढ़ के आना, मॉड्यूल में चार है ना, शिरोबस्ती और पिच्छू, वो पढ़ के आना, ठीक, उससे काम बन। बाकी बागभट पहले मत पढ़ के आना, ये वाली अंजन वंजन मत पढ़ के आना, मतलब उसकी डिटेल मत पढ़ना, बाकी चरक से पढ़ोगे ना अंजन से भेद तो याद हो ही जाएंगे उसके, ठीक है। बस क्रियाकल्प यहां से कल चालू, क्रियाकल्प के बाद में अगला चैप्टर कौन सा आएगा इसमें, ये जो ईएनटी वाले बच्चे हैं ना, तो मैं सोच रहा था इनको कुछ होमवर्क दे देता है, ये मुख रोग इनके अच्छा नयन प्रतिघात वाला आएगा, ठीक है, फिर कर्ण रोग आ जाएंगे, चलो कर्ण नासा शिरो रोग ये इनको भी पढ़ा देंगे, फिर उसके बाद में मुख रोग वाली वीडियो डाल देंगे जो पिप अपने डले हुए पढ़े यूट्यूब, ठीक है बाबू लोग। और वो भी रसास्त्र भी नहीं पढ़ेंगे आज, डीजी भी नहीं पढ़ो, ठीक, फिजियो का और हिस्ट्री का मॉड्यूल डाल दूंगा मैं, जाके पढ़ लेंगे। और कल से अपन क्रियाकल्प पढ़ के और नयन प्रतिघात पढ़ के और फिर कर्ण रोग चालू कर देंगे, और बहुत ईजी है नयन रोगों से सब, मतलब वैसे नेत्र रोग बहुत आसान है, जैसे अपन ने कितने चार पांच ही लगा दिए ना इसमें, अगर ये नहीं लगाते तो एक लेक्चर में खत्म हो जाते हैं, लेकिन याद कुछ नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, जैसे अभी कम से कम ये तो बताया सिरा पीड़िका सन्निपात साध्य, तो इसको छोड़ना मत। और इसका चार्ट जो है ना वैसे तुम्हारे पास मॉड्यूल में है, पर वैसे भी चिपका लेना एक बना के सामने जहां पढ़ते, उससे कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यार दीवार पे कोने कोने में लिखा हुआ था ऐसे, ठीक है। कल मिलते हैं, इतना ही पढ़ाऊंगा यार आज, और वो फिजियो का और उसका वो डाल दूंगा, फिजियो का तो पूरा हो गया ना, फिजियो मॉड्यूल तो पूरा, 11वीं क्लास डल गई ना उसकी, 11 क्लास है जो उसकी नीचे, अच्छा ठीक है, मैं भिजवाऊंगा तुझे, सेलेक्ट हो जा फिर भिजवाऊंगा। जाओ जाओ सारे।